सेकेंड एक्चुअल क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर देने जा रहा हूँ, वो आपका है बैंकिंग से रिलेटेड। और बैंकिंग में भी जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग इट्स क्रेडिट क्रिएशन, दैट हाउ टू क्रिएट क्रेडिट, कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है और बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल वुडंट नो दैट, मोस्ट हम से कुछ लोगों को बल्कि मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता कि हम जो पैसा बैंक में जमा करवाते हैं वो जाता कहाँ है, बैंक में रहता भी है या नहीं। कि जिसके जरिए वो अपने डिमांड लोन्स को डिमांड डिपॉजिट को इंक्रीज करते हैं, या अगर इसके अलावा मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि किस तरह बैंक एक अमाउंट के साथ मजीद लोन जनरेट करता है अपने कस्टमर्स के लिए या अपने जो लोकल बिजनेस मैन है उनके लिए। एक बैंक कैसे लोन की अमाउंट जनरेट करता है अपनी इकोनॉमी के बिजनेस मैन के लिए या कंज्यूमर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए, उसे क्रेडिटिकेशन कहा जाता है। अच्छा, मैं आप एक वर्ड यूज किया मैंने डिमांड डिपॉजिट्स। तो व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स एक्चुअली बहुत सिंपल है, अगर आप इसको सेपरेटली पढ़े तो डिमांड एंड डिपॉजिट्स। डिमांड का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जो कि जब हमें जरूरत है हम अपनी बॉडी से उसको रिसीव कर सकते हैं, और डिपॉजिट वो अमाउंट जो हम बैंक के अंदर जमा करते हैं। डिमांड डिपॉजिट सिंपल से मुराद ये है वो डिपॉजिट है या वो अमाउंट है जो कस्टमर ने बैंक में जमा करवाई है और वो किसी भी टाइम अपनी मर्जी से वो जब भी चाहे वो बैंक से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइक बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाया हुआ है, तो मतलब 10,000 रुपीज जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया वो आपका डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, आप किसी भी टाइम बैंक में जाकर उसको बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं। तो जो ऐसे डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा आता है कि बैंक उसको कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। अब उसको जाने से पहले सबसे पहले आपको इसके प्रोसेस का पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है, कि आप बैंक में पैसे जमा करते हो वो कहां कहां से गुजरता है और कैसे बैंक जो है ना उसमें उससे पैसा जनरेट करता है। अब इससे पहले जो है कुछ सवाल का जवाब होता है तो मैं आपको करता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहते हैं कि हमने तो बैंक में 10,000 रुपया जमा करवा दिया तो बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है, हमें पैसे आ कहां से रहे हैं, हमने 10,000 जमा कराया हर महीने में 50,000 रुपया ऊपर मिला वो 100 रुपया जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका तो बैंक को नुकसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक क्या करता है, सपोज आपने बैंक के अंदर डेबिट से आपने इनिशियल डिपॉजिट 2,000 जमा कराया बैंक के अंदर, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट स्टार्ट में आपने बैंक में 2,000 रुपया जमा कराया क्योंकि आप उसको प्रॉफिट चाहिए। बैंक क्या कहता है, मैं कहता ठीक है हम आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पर मंथ देंगे, 10% इंटरेस्ट पर मंथ प्रॉफिट जो बट आप इजी तरह यूज कर ले, ठीक है, हम आपको उससे आसेस पे आप ये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या तो आपको प्रॉफिट देंगे, तो इससे आसेस पर मंथ आपका प्रॉफिट क्या मतलब 2,000 × 10% 2,200 अब ये 200 क्या हमारे पास ये वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक हर महीने आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेगा, मतलब आपको प्रॉफिट होगा ये दोस्तों। लेकिन इसको बैंक को फायदा क्या, इसका तो बैंक को लॉस होगा, ठीक है। अब हर महीने बैंक आपको 2,000 के ऊपर आपको 200 रुपया दे आ रहा है तो उससे तो बैंक को लॉस होगा, इसमें बैंक को क्या करता है, बैंक को जो फायदा है बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक कस्टमर से कहां से पैसे लेता है। अब अगर आपने 2,000 रुपए को डिपॉजिट जमा करवा लिया आप घर चले आपको हर महीने आपको 200 मिल जाएगा, बैंक क्या करता है, बैंक ने आपको कहा कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट देता हूं, आप कहते ठीक है। लेकिन जब आप चले आते हो बैंक क्या करता है, मुझे 2,000 है वो 2,000 आगे कस्टमर आता है बैंक के पास, वो कहता है मुझे चाहिए कर्जा, बैंक क्या करता है, बैंक आपकी का 2,000 जो है वो आगे कस्टमर को लोन के तौर पर दे देता है, लोन दे देता है 2,000 और उससे बैंक कहता है जी मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन मैं आपसे 30% इंटरेस्ट दूंगा, मैं आपको कर्जा दे दूंगा, मैं आपको लोन की अमाउंट दे दूंगा लेकिन मैं उससे आपको 30% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा,
कस्टमर हासिल करने का ठीक है, मुझे मंजूर है। तो बैंक क्या करता है, मैं 2000 रुपया वो आपके लोन के तौर पर दे देता है, तो उससे 30% जो है उसके हाथ से इंटरेस्ट रिसीव करने लग जाता है। ठीक है, आपसे बैंक ने कितना प्रॉफिट बना रहे, प्रॉमिस किया 10% का, 10% आपसे प्रॉमिस किया और 30% को कस्टमर से ले रहा है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, 30% माइनस 10% 20%। इसका मतलब यह है कि बैंक आपकी के 2000 रुपए से जो आपने बैंक में जमा करवाए हैं उसी 2000 रुपए से आपको भी 10% दे रहा है और वो खुद भी 20% इनकम चार्ज कर रहा है। तो दैट्स हाउ बैंक क्रेडिटेड योर इंटरेस्ट इन योर अकाउंट। इस तरह बैंक आपको प्रोसेस करके आपको जो है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा करता है। ये तो होगी बात इंटरेस्ट की कि आपको बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है, ये तमाम उसका प्रोसेस है। अब आते हैं कि बैंक को मजीद लोन पैसे से लोन कैसे जनरेट करता है, तो उसको जानने के लिए कुछ अजम्पशन दिया वो मैं आपको पहले बता दूं। अजम्पशन को जेन में रखते हुए आपने क्रेडिटेशन का प्रोसेस करना है। अजम्पशन क्या हमारे पास परसेंटेज चेंज क्रेडिट में स्टूडेंट चेंज। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, जैसे अब एक परसेंटेज जैसा मैंने भी आपको बताया 2000 रुपए बैंक में आ गया। ठीक है, अब आपने अगर 2000 बैंक में जमा कराया तो 2000 आगे कर्जे के तौर पर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये भाई हमारी डिमांड लोन है। अब आप उस शाम को जाते हो बैंक में कहते हो कि 2000 दो, मेरा 2000 दे दो, और बैंक के पास आपको 2000 नहीं होता तो कहां से आपको पे करेगा? ऐसे तो बैंक की कुल खराब खत्म हो जाएगी, कस्टमर खराब हो गए। उस वक्त स्टेट बैंक ने पॉलिसी बनाई गया, उस पॉलिसी को कहते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, स्टेट बैंक ने पॉलिसी बनाई गया उसको कहा जाता है कैश रिजर्व। क्या कहा जाता है, कैश रिजर्व। ये बेसिकली एक परसेंटेज रेशियो कैलकुलेट होती है, कैश रिजर्व एक परसेंटेज रेशियो है जो कि स्टेट बैंक ने बनाती है, जो कि तमाम कमर्शियल बैंक के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है कि जब भी कस्टमर के डिपॉजिट आपको असाइन है तो उनके ऊपर जो परसेंटेज स्टेट बैंक ने रखी होती है उस परसेंटेज की अमाउंट जो बैंक है वो अपने पास रखता है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अगले कर्जे के तौर पर जारी करता है, ताकि अगर कस्टमर जिसकी अमाउंट है वो बैंक में आता भी है अपनी अमाउंट वापस लेने, तो बैंक के पास उसकी प्रोपोर्शन मौजूद हो जिससे कस्टमर की भी इनकम बढ़ जाए, जैसे बैंक के अपना लोन जनरेट कर ले। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक कहता है कि लेट्स से कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है। स्टेट बैंक कहता है जब भी आपका कोई डिपॉजिट आता है आपने उसके ऊपर 10% कैश रिजर्व रखना है, देन रिमेनिंग अमाउंट को आगे लोन के तौर पर जारी करना है। ठीक है, तो फिर बैंक में क्या होगा, जितना डिपॉजिट आएगा बैंक को उसमें हर डिपॉजिट पर 10% कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। क्यों? डिमांड डिपॉजिट्स नीड टू हुआ। ठीक, स्टार्ट करते हैं अजम्पशन को देख रखते हैं, अपने इस प्रोसेस को सॉल्व करना है। अगर आप पर्सनल चेंज ऑफ कैश रिजर्व स्टूडेंट चेंज के जो कैश रिजर्व रखी है स्टेट बैंक में जो रेशियो होती है वो किसी स्टेप पे चेंज नहीं होगी, 10% है हर स्टेप पे 10% ही रहेगी। सेकंड क्या है, ओवर पेमेंट्स एंड रिसीट्स मेड बाय द चेक, जितनी भी पेमेंट्स होंगी या जितनी भी रिसीट्स होंगी तमाम की तमाम चेक्स के थ्रू होंगी। अगर पेमेंट्स कैश चेक के थ्रू होंगी पेमेंट्स की रिसीट्स की तो दैट मींस इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा और ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक कंसीडर करते हैं। ठीक, अब इसको प्रोसेस से कैश क्रेडिट किया होता है। अच्छा, सपोज हमारे पास रिसीट में बोल रहा है एक कस्टमर है सर 2000 रुपए जमा करा दिए। ठीक, अब इसके बाद मेरा परसेंटेज कितनी परसेंटेज है, कितने का कैश 10% है, सो 10% हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो है। अब कैश रिजर्व कितना है, ठीक है, सिंपल है, जो रेशियो उससे कंफर्म करने 2000 है उनका बैंक में 10% दिया है, 100 दैट विल बी 200, सो जो 200 रुपीज है मतलब वो कैश रिजर्व है, मतलब एक कस्टमर के पास डिपॉजिट आया 2000। ठीक है, उसपे आपने क्या करना है, कैश रिजर्व की जो रेशियो है उससे 10% चार्ज करके आपने 200 है वो आपने कैश रिजर्व बैंक के पास रख लिया। रिमेनिंग 1% है बी 1800 बैंक ने उसको लोन दे दिया, 2000 10% बैंक ने रिजर्व रख दिया पास। उसके बाद जो है ना एक पार्टी थी कस्टमर का बी, बी को बैंक ने क्या किया 1800 मैंने को लोन के तौर पर जारी कर दिया। बेसिकली उसने लोन दिया बी को लेकिन पड़ा तो बैंक अपने अकाउंट में बना, कैसे, इस अजम्पशन के जरिए और पेमेंट एंड रिसीट्स मेड बाय द चेक। ठीक है, दूसरा अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को कि आप अगर खुद किसी बैंक में जाते हैं लोन वगैरह लेने तो बैंक ये नहीं करता कि किसी और बैंक अकाउंट में आपको लोन ट्रांसफर कर दे या आपको बाई कैश जो है ना आपको लोन की अमाउंट दे दे, बैंक क्या करता है अपने ही बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करता है
तो वहां पे आप मेरा वो अमाउंट ट्रांसफर कर देता है लोन में। ये भी कोई केस है कि पार्टी है, कस्टमर है बी, कस्टमर है बी, ये बैंक ने उससे लोन दिया है, लेकिन बड़ा तो बैंक उसके अपने ही बैंक के अंदर हुआ है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, बी जो रहता है बी इसकी आगे पेमेंट करता है, पेमेंट करता है तो आगे कितने पेमेंट कर रहे हैं 1800 अगर चला गया। अच्छा अगेन सेम प्रोसेस सेम रिपीट होगा, स्टेट बैंक की पॉलिसी क्या 10% कैश रिजर्व रखना, कैश रिजर्व 10% ही रखेंगे, ठीक है। तो अगेन 1800 का 10% क्या आएगा 180, मतलब अब सेकंड पार्टी से आगे गया 1800 तो 1800 में से 10% कैश रिजर्व के मतलब कितना निकला 180। अब 180 उस बैंक ने भी अपने पास रख लिया, तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमारे पास कितनी निकल गया, सपोज हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 1620, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है 1620, ठीक है। तो ये आगे मैंने 10% पार्टी सी ये आगे उसको आगे करने के तौर पे दे दिया, एंड अगेन ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और ये फर्दर आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो एक बैंक के पास 2000 इनिशियल डिपॉजिट आया था बस, तो उससे कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और बैंक कैसे कैसे लोन क्रिएट करता जा रहा है आगे डिफरेंट पार्टीज को देता जा रहा है। अब यहाँ पे भी बात आती है कि बैंक ने 2000 से टोटल कितना क्रेडिट जनरेट कर दिया, बैंक ने टोटल क्रेडिट जनरेट कितना कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट क्रिएशन टोटल, कि अगर हमें देखना है कि टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट किया बैंक ने, तो उसको जो फॉर्मूला है 2000 × 1/10% इसको अगर मैं आपको वर्ड्स में समझाऊं तो वो होता है इनिशियल डिपॉजिट, आपको है उसी वजह से आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।